की आज भी कलिकाल हे धर्मराज भुआल रहे नंदलाल साथ में सभा लगी मान चाल लाइन भूमिका ब कवि जी गिरवी रखा खेत निर्धन बेचारा गया तब धनी ले चलाने को हल है असर भी मिली सात हंडा वहां पे लख करके तब वहां बेचारा विकल भय कहा तब धनी भैया ले लो इसी को मिलाए तुम्हारे ही घर का तो फल है अरे दया राम कहा भाग्य में है तुम्हारे सुन करके जाता करे जा दहले एक गरीब बेचारा एक धनी के यहाँ अपना खेत गिरवी रख दिया लेकिन जब तक गरीब हल चलाए अपने खेत में कभी मिट्टी छोड़ असर भी ना मिली बाबूजी जब खेत गहन रख दिया तो होता क्या है जब धनी हल चलवाता है तो उसमें सात हंडा असर भी मिलती है बाबा। गरीब बेचारा देखकर चकित हो जाता है ये भाग्य की बात है धनी कहता है भैया आप इसी को ले लो आपका खेत का फल है कहा ना ना मैं नहीं लूंगा दोनों में झंझट हो गया और कहा आप चल रहे हैं धर्मराज के पास पंचायत होगी तो खाटी तर्ज इलाहाबाद के लगा हाय हाय अरे बोले धर्म झगड़ा अरे बोले धर्म झगड़ा मिटाई द बनवारी बोले धर्म झगड़ा धर्मराज के साथ में भगवान कन्हैया के पास निर्धन और धनीवान पहुंचते हैं कहे भगवान हम गरीब आदमी का पंचायत कह दिया धर्मराज से भगवान कन्हैया कहते हैं किनकर लोग के दिन रविवार हो एकदम छुट्टी वाला दिन हो तब इनकर लोग के पंचायत होए इतवार के दिन हो पहली तारीख हो कहाँ भगवान रखा रविवार दिनवा कहाँ भगवान रखा पहली तारीख आ गया ये जो महीनवा पहली तारीख आ गया अरे उही दिन मिटी जाई झगड़ा तुम्हारी बोले धर्म झगड़ा मिटाइ द बनवारी बोले धर्म डेट फिक्स हो गया लेकिन न पहली तारीख आवत बा इतवार आवत बा पहली तारीख के नहीं पड़त बा डेट गड़बड़ हो जात बा बाबूजी उबियाई गए दोनों जोहत जोहत वह निर्धन धनी वान गईले राजा के दुआरिया निर्धन धनी वान गईले रखी गई सरफी धर्म राज कई पहाड़िया रखी गई
हवाई गुजारी बोले धर्म झगड़ा मिटाई दा बनवारी बाबूजी जोहते जोहते बहुत समय बीत गया। उसी समय धर्मराज शिकार खेलने चल देते हैं बाबूजी, लेकिन टेरी के भाव लगा मास्टर। अरे चाहे कोई बुद्धि मनावा बने कलयुग कला देखी कर्म है सबके मनवा चाहे कोई बुद्धि मनवा बने में बाबूजी धर्मराज अपना घोड़ा लेके एक दिन शिकार खेलने के लिए चल देते हैं। कैसे कवि जी? अरे इसी बीच में धर्मराज जी, इसी बीच में धर्मराज जी दिन खेलन गाये सिकार एक अनोखी दशा देख अरे मन में करने लगे विचार लीला घोड़ा लेके बढ़े अगार जी। बाबू जी देखते हैं कि जार खेतवई के खादबा ये लीला देखकर धर्मराज अपना घोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और क्या, आगे अपन घोड़ा बढ़ाया अद्भुत है कलयुग की माया गैया रहीन बियानी बचिया ते ही छनावा चाहे कोई गुण मनवा बने चाहे के
जी देखते हैं एक गाय भी आनी बा और गैया बछीवा के पियत बा। बाबा बहुत अचरज बात, तो तर्ज लगा मास्टर। देखा हमारे कवि जी राम सूरत पपीहा जी कितनी सुंदर गीत बजाए, मिर्जापुर में कैसे गावत थी मास्टर। अरे ठाढ़े रहो मुरली वाले, ठाढ़े रहो मुरली वाले गगरिया घर भैके। ये तो मिर्जापुर में हो गया, लेकिन प्रतापगढ़ में कहाँ मवा के चीकना पाती टिकोरा कोई तो रहीना पावई। लेकिन बलिया में बलमा के अजबा पढ़ैया सखी रे कान पासा बिकाइए। लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज में गुरुजी गावत थी कैसे, अरे पीसई न दान न दैया न नदजी के भाई दूसर कौनो पीसई न पावई। पीसई न दान न दैया न नदजी के भैया दूसर कौनो। ये तो भाव रहा, लेकिन गाने में कैसे, अरे बछिया के आए हाय बछिया के दूध पियाई मैया कंधैया के लीलौ न जानी। बछिया के धर्मराज जी देखते हैं कितनी आश्चर्यचकित बात है, बतावा ये वही बियान बा और नहीं गिराए बा बिटिया के दूध पियत में गाय। अपना बियान नहीं अवरा गिराए, सपना बियान नहीं बिटिया के दूध पियै मैया कंधैया के लीला न जानी। बिटिया के दूध पियै मैया कंधैया के लीला न जानी। धर्मराज एकदम माथ पर हाथ रख लेते हैं, ये कैसे समय आने वाली है। कहाँ है धर्मराज, अरे घोड़ावा यजय के, हाय राम अरे हाय राम कैसे समैया कंधैया के लीलौ न जानी। हाय राम कैसे समैया कंधैया के देखते हैं धर्मराज कैसी समय है और आगे अपना घोड़ा बढ़ाते हैं।
ताकि तर्ज लगा मास्टर। सुबह सुबह के बेला बंगने में ननद भौजाई बैठी हैं, कहा ये बिट्टो आज बड़ा बढ़िया सपना देखा हो। कहा कहा भौजी, कहा जना हमारे बम्बई से आज आवत हैं बाबा, बहुत सारा सामान ले है अल्लाह के आयन हमारे पलंगिया पे इसे रख दे। कहा तब से बिट्टो इतने में खियाई तो तर्जिया मास्टर कैसे तर्जिया ही है बा मोरे राजा हो मोरे सैया मोरे बलमंग कैसे अरे जाना पर देशावा से आवाले हो झालर ली है मोती जाना पर देशावा से ये तो तर्ज रहा लेकिन गाने में कवि जी कैसे अरे धर्म राज घोड़ावा बढ़ायल हो बढ़ायल हो घबरायल मनवा धर्म राज घोड़ावा धर्मराज जब अपना घोड़ा आगे बढ़ाते हैं देखते हैं कि सात कुआं है और सातों कुआं का पानी एक कुआं में भरा जाता है और सात रही कुआं लखाए के नहोनी सात रही सातों एक कुआं में समायल हो घबरायल मनवा सातों एक कुआं में सातों एक कुआं में समा गए। लेकिन जब एक उमड़त बतका हो तो बा और जब एक उमड़त सात भरी गई ले जब एक पानी नहीं केहू के पूजायल हो पूजायल हो घबरायल मनवा पानी नहीं केहू के पूजायल हो सारी बात धर्मराज देखते चले जा रहे हैं भगवान कन्हैया के पास। तो तर्ज लगा मास्टर देखा देखा हमारे कवि जी कितना सुंदर बज रहा है कैसे जान मारे तोहरे आँखी के कजारवाना जान मारे तोहरे आँखी के कजारवाना तो तर्ज रहा लेकिन इसी भाव में आगे गाए देखे बाकरा बकारिया ना आगे गाए देखे बाकरा बकारिया धर्मराज
धर्मराज जी अपना घोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक बकरा और एक बकरी के देखते हैं कैसे। एक सखर के किनार करे दुनहू दुलार, धार धूरी देखी मार की लकारिया ना, धार धूरी देखी बकरी बाबूजी सरोवर के किनारे एकदम खुश हैं, खुश मिजाज में। कहे बात समुझाई कहे गयू या कुलार, बकरवा का हाथ बा कहे घबरात हूँ पानी पिएगी बना। कहे बात समुझाई कहे गयू या कुलार, कहे हम पियाई देबै थाम के टंगारिया ना, हम पियाई देबै। पानी पी लिया बकरी, जब बकरे के पारी आई तो होता क्या है। आई बकरे की बारी बकरी प्यार सब बिसारी, बकरी छोड़ी चली अपने साजन के गुजारिया ना, धर्मराज देखते हैं कैसा प्यार है। अरे बप्पा रे वही बकरा पानी पिया है, आज बकरे की बारी आई थी छोड़ के चल दे, ये सब कलजुग की माया है। तो कैसे टेरी के भाव मास्टर। अरे देख कर यह दोनों का प्यार, धर्म जी सोचे बार बार, अरे आंसू धार बही गवा भर गई लेना यनवा, चाहे कोई बुद्ध मनवा बने, सब तमाशा देखते हुए बाबूजी धर्मराज भगवान कन्हैया के पास पहुंचते हैं। तो तर्ज लगा मास्टर, काला कातवा से बलमा मोरायावेलना, तो तर्ज रहा लेकिन गाने में राजा धर्म नगारिया में आवेलना, राजा धर्म नगारिया में आवेलना।
समरिया आई दो ना जन की बेरिया जाना आवे लना जाना आवे लना राजा धर्म अपन बातिया बतावे लना राजा धर्म अपन बातिया बतावे लना राजा धर्म अपन बातिया बतावे ओ राजा धर्म अपन बातिया बतावे लना 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 धर्मराज भगवान कन्हैया से सारी बात बता रहे हैं। कैसे रखा एक जरवरा खेत के डगरवा जाना आवे लना जाना आवे लना राही राही जार फासला चबावे लना सारी व्यथा को बताते हैं कि एक जार रखा था जरवा फसल के चबात रहा एक गैया बछिया भी आन रही गैया बछिवई के पियत रही कहा अच्छा अच्छा धर्मराज और कहा सात कुआं मिलके एक कुआं के नहीं भरी पान एक कुमड़ा जब तो सातों भरी गए कहा धर्मराज जी कलयुग में रक्षक ही भक्षक बनेगा बाबा कलयुग में रक्षक ही भक्षक बनेगा और कलयुग में बिटिया के धन माई बाप कहीं जो गैया पियत रही बछिया के बिटिया के धन माई बाप कहीं और एक बाप अपने सात बच्चों का भरण पोषण कर सकता है लेकिन सात बेटवा मिलके अपने एक माई बाप के नहीं खिला सकते कलयुग का आगमन है। तो अंतिम बाप महाराज खड़ी लगा हाय हाय अरे अपने सर से राजा अरे हटाइला पगारी हंस के बोला काला जुगावा हमारी ओ सारी बटवाए कहे घनश्याम अब कलयुग आए अरे छोड़ दे अरे छोड़ दे मोह माया अबला तैयारी हो कारी हंस के बोला काला जुगावा हमारी ओ सारी बताए के हरिद्वार का सिधाए हो गया द्वा पर्यंत हरि तुरंत दर्शाए अरे अदुवंशी काया अरे अदुवंशी कायंत आगे कर दई है अबारी हंस के बोला काला जुगावा हमारी ओ सरी लहरी कहते धन हो किस भगवान कथन करे कभी पपीहा पाए माँ से ज्ञान अरे चाहे हो कोई बुद्धिमान माँ बने अरे बिरा सुबेदार तू गावा बेटवा गनवा चाहे कोई बुद्धिमान